नहीं है। फिर इस बीच में चुनाव आ गया, वो सांसद चुन लिए गए, शिथिलता आई, फिर वो जीत गए, इस्तीफा हो गया। इन सब में भी आपने देखा तकरीबन एक साल तो ये भी चला गया, एक साल तो वो अपेयर ही नहीं हुए। हर आदमी जब कुर्सी पर बैठ जाता है तो पूछता जल्दी नोटिस ना लें। मुकदमा चलाने के लिए आप अकेले निर्णय नहीं ले सकते, कोर्ट है, महाधिवक्ता है, उन पर मुझे टिप्पणी नहीं करना। देखिए मैं जी मुझे अपनी अपना विषय है क्या, जो भी कोर्ट की शरण में जाते हैं दो पक्ष क्या दोनों को न्याय मिलता है? न्याय तो किसी एक को मिलता है, वो भी गुण दोष के, और जो भारतीय संविधान उसके तहत दिया जाता है। तो ये कहना कि प्रयास नहीं हुआ, सब प्रयास हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, ऐसा नहीं है। अब चूंकि अब नई बात आ गई है, हमारा केवल एक ही चीज है, आप लोगों से बात करने का एक ही पीड़ा है। चलिए ठीक है, हम करा पाते ना करा पाते, आप लोगों को सारी जानकारी थी, एक दर्जन वकील भेजना और वकालतनामा लगाना ये किस बात को दर्शाता है? कृपया अवधेश जी या समाजवादी के वरिष्ठ नेता बता दें आप सबको। अच्छा, अगर कहीं मन में होता तत्काल पार्टी के बड़े लोग, बड़े पदाधिकारी, आप देखिए लखनऊ में छपा है और टीवी चल रहा होगा हर जगह, बाकायदा आयोग से उन्होंने मुलाकात की, सिफारिश की कि मिल्कीपुर की जनता सफर ना करे। मैं रूलिंग भूल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग भी लोग लेके गए थे और चुनाव के समक्ष रखा, बाकायदा बात हुई, ये हुआ बाकायदा। अखिलेश जी का वक्तव्य सुनिए, उन्होंने कहा कि दो दिन में रीट अगर वापस हो गई तो चुनाव होगा, सुबह सुबह उन्होंने कहा है, सुबह कहा और 1:30 बजे कांड तुरंत कर दिया है। सुबह काउंटर इंटरव्यू मुझे किसी ने कल भेजा शाम को, उसमें उन्होंने कह रहे हैं कि अगर आज दो दिन के अंदर याचिका वापस होती है तो चुनाव होगा। तो भैया 1:30 बजे तुम्हें कौन माछी छींक मारे रही कि जो एक दर्जन वकील भेज दियो, हम करा पाते ना करा पाते, फिर संजय का चिल्लाते, छाती पीटते। तो ये कहीं ना कहीं से समाजवादी पार्टी डर गई है, और खासकर बाबा गोरखनाथ से।